नाज़रीन यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दें कि खत्मे नबूवत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राजा जफरुल हक रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का हुक्म सामने आया है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अहकाम जारी कर दिए हैं। अहकाम सामने आए हैं कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अहकाम जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राजा जफरुल हक रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का हुक्म दिया है। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा हुक्म सामने आ गया है कि अब हाई कोर्ट का यह हुक्म राजा जफरुल हक रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अहकाम जारी कर दिए हैं। खत्म नबूवत केस के हवाले से बहुत ज्यादा संगीनियां पैदा होती रही और कौम भी तजब्जुब का शिकार रही और अब यह हुक्म सामने आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि राजा जफरुल हक रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अहकाम जारी कर दिए हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। कामरान खान, बताइएगा अहकाम जारी किए गए हैं और इस हुक्म में मजीद क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला था और इसके ऊपर आज तफसीली फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जारी कर दिया है। इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि खत्म नबूवत का जो हलफनामा था उससे मुतालिक जो गलती की थी पार्लियामेंटेरियंस ने इलेक्शन लॉज बनाते वक्त, उस हलफनामे में तब्दीली हुई थी और कुछ हलफनामे से अल्फाज हजफ किए गए थे जिस पर बहुत शोर वोगा मचा था। फैजाबाद का धरना हुआ था, उस सिलसिले में राजा हक को मुकर्रर किया गया था कि वो सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन करें और बताएं कि कौन इसमें कसूरवार था, किसकी गलती थी, किसकी कोताही थी जिसकी वजह से ये इस अहम एक सेंसिटिव मामला जो है इसने सर उठाया। तो उस हवाले से उस रिपोर्ट को कतई तौर पर मंजर आम पर नहीं लाया गया था, हुकूमत ने छुपा लिया था। नवाज हुकूमत ने राजा जफरुल हक की जो रिपोर्ट थी उसके मंदरजात सामने नहीं लाए थे, लेकिन अब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि उन्होंने हुक्म दिया है कि ये राजा जफरुल हक की जो रिपोर्ट है इसे मंजर आम पर लाया जाए। ये एक अदालती हुक्म है और हमें राजा जफरुल हक की रिपोर्ट के कुछ मंदरजात जो हैं वो भी मौसूल हो गए हैं जो हम 92 न्यूज के कारण के सामने रखना चाहेंगे। इस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर नाम लेकर मेंशन किया गया है के अनोशे रहमान जो के इलेक्शन की जो सब कमेटी थी उसकी मेंबर थी और जो इस सब कमेटी के कन्वीनर थे जाहिद हामिद जो के उस वक्त के वजीर कानून थे, इन दोनों के नाम आए हैं कि इन हलफनामों से मुतालिक तब्दीली करना और उनकी रीड्राफ्टिंग और इनको दोबारा कानूनी शक्ल में लाना, इसकी ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी ये इन दोनों की थी, जिसमें कि अनोशे रहमान जो कि स्टेट मिनिस्टर थी और वफाकी वजीर जाहिद हामिद, इन दोनों के नाम जो हैं वो राजा जफरुल हक की रिपोर्ट में मौजूद हैं। यानी जो जिम्मेदारी डाली जा रही है वो बुनियादी तौर पर इन्हीं पर है और हमने देखा था कि इसी दौरान जब वो फैजाबाद धरना हुआ था उसके नतीजे में जाहिद हामिद से इस्तीफा ले लिया गया था, जबकि अनोशे रहमान का जिक्र जरूर आया था लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अब ये राजा जफरुल हक रिपोर्ट मंदरजात इसके जब मंदरजात सामने आए हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो उस वक्त की सबका पार्लियामेंट्री के जो रुकन थे, काबीना के जो रुकन थे, इनके ऊपर ये जो जिम्मेदारी है ये डाली गई है। यानी मंदरजात के जो इस वक्त सामने आए हैं रिपोर्ट के मंदरजात उसमें अनोशे रहमान और जाहिद हामिद का नाम भी सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान, आपने अपडेट किया।